अस्सलाम वालेकुम शिराजी की किचन में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप भी खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में मैक्रोनी बन रही है एक मुख्तलिफ तरीके के साथ, तो चलते हैं और बनाते हैं। एक हाफ कप हम लोगों ने जो है वो ऑयल ले लिया और तीन चार जो है हम लोगों ने लहसुन के ले लिए, लंबाई की शक्ल में काट लिया। अब हम इसको हल्का सा सौते करेंगे ऑयल में। एक पैकेट हम मैक्रोनी बना रहे हैं। हाफ के जी हम लोगों ने चिकन लिया है, उसको हम लोगों ने बॉयल नहीं करना, हम लोगों ने छोटे छोटे उसके पीसेस करके बिल्कुल डायरेक्ट हम लोगों ने लहसुन में शामिल करना है। मैक्रोनी के लिए हाफ के जी जो हम लोगों ने चिकन लिया है, इसके साथ हम लोग जो वेजिटेबल शामिल कर रहे हैं उसमें हम लोग सिर्फ मटर, गाजर, बंद गोभी कर रहे हैं, क्योंकि शिमला मिर्च मुझे अपने गांव में मिली नहीं है। हम लोगों ने मैक्रोनी बनाने के लिए जो चिकन हाफ के जी लिया था, इसके साथ हम लोगों ने एक पाव मटर लिए हैं, एक पाव ही गाजर हम लोगों ने ली है, एक पाव ही हम लोगों ने बंद गोभी ली है। चिकन के साथ ही हम लोग जो है मटर शामिल कर देंगे। हम लोगों ने सिर्फ जो मैक्रोनी है उसे ही बॉयल करना है और हम लोगों ने किसी चीज़ को बॉयल नहीं करना, डायरेक्ट हम लोगों ने फ्राई करना है। जैसे ही मटर और जो है चिकन वो हल्का सा ब्राउन होता है तो हम लोग इसमें गाजर शामिल कर देंगे। चिकन साथ लगे बर्तन के तो आप हल्का सा पानी जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। हमारा जो चिकन है वो तकरीबन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें जो गाजर है वो शामिल करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट शामिल करेंगे, बस पे जाएगा। अब हम इसमें जो हम लोगों ने बंद गोभी काटी है वो भी शामिल करेंगे। हमारी सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरीके से जो है फ्राई हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने जो मैक्रोनी बॉईल की थी उसे बीच में शामिल करेंगे। साथ में आपको बताती जाऊं कि मैक्रोनी को जब बॉईल करना है तो आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक शामिल करना है, ऑयल वगैरह नहीं, ये आपके ऑप्शनल है। जब आप इसको सब्जियों में शामिल करेंगे तो ठंडे पानी के साथ धो लें तो ये सेपरेट हो जाती हैं। अब हम लोगों ने मैक्रोनी को मिक्स किया, साथ ही हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। थोड़े सा हम इसमें नमक शामिल किया, दो हम लोगों ने टेबल स्पून काली मिर्च ली है, स्पून हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे और एक ही टेबल स्पून हम सोया सॉस, एक टेबल स्पून हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। ये तमाम स्पाइसेस जो हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है और आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी जूसी और ज़बरदस्त लग रही है। आप ये रेसिपी फॉलो करें और जल्दी से इस मैक्रोनी को बनाएं और फिर बताइए मुझे कमेंट में कि ये कैसे बनी है। चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जो मैक्रोनी है वो डिश आउट कर ली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये डिश पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फैमिली में भी शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को। चलें जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, एक मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।